ਚੱਲਦੇ ਲੰਡੂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਮੱਜ ਕੱਲ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫੇ ਮੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਐ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਲੰਡੂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਮੱਜ ਕੱਲ ਆਉ ਬਦਲਿਆ ਫੁੱਟਵਾ ਸਟਾਈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ और पता है मैं अलॉय डलवाता नहीं थी अल्ली, मेरी गाड़ी को कितना ही हुआ यार, 16,000 चली एक टायर पे, तो मैं डलवाने भी नहीं वाला था। बट क्या हुआ गाइस, मेरा जो एक टायर है वो फट गया। पता नहीं इतना बेकार दिया ह्यूंडई वालों ने टायर, वो एक टायर मेरा फट गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार चारों टायर चेंज करा लें, तो उसके साथ अलॉयज भी चेंज करा लेते हैं। तो अभी हम लोग वही देने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी तो व्लॉगिंग चल रही है, ये दोनों आए हुए मेरे साथ। आप लोगों को पता ही है गाइस, अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ तो इन दोनों चीज़ों के साथ ही जाता हूँ बाहर। तो गाइस कोई बात नहीं, मिलवाते हैं इन लोगों से, पहले मैं आप लोगों को चलो फोटो शूट हो जाए। गाइस देख सकते हैं अभी स्टॉक अलॉयज है, पीछे वाला जो अलॉय है वो देख सकते हैं, ये वाला ना मेरा टायर ही फट गया, वो बस्ट हो गया। हम लोग जब राइड पे गए थे तब मेरा टायर बस्ट हो गया था, तो अब स्टेप ही लगा के हम लोग जा रहे हैं। बहुत टाइम से था मेरा कि चेंज कराना है, तो लोग फाइनली आ रहे हैं चेंज कराने। तो ये देखिए देखिए गाइस टायर, हमने टायर पहले ले लिए क्योंकि एक्चुअली हमें वो बरेली से थोड़ा सस्ता ही पड़ता है, हमारे जानने वाले टायर में तो हमें सस्ता ही पड़ता है। बाकी चलिए आगे चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखा दें। फाइनली इसकी शॉप पे पहुंच गए केशव टायर्स पे, हमारी आइडेंटिटी तो अभी ये तीन सिलेक्ट किए हैं, बहुत सारे अंदर, तो अभी आप लोगों को सब चल के दिखाऊंगा। पहले एक बार डिसाइड कर लूँ ना, उसके बाद फिर आपको तसल्ली से दिखा। हमारे जो हैं स्टॉक अलॉयज जो है वो निकल रहे हैं, नए टायर तो मैंने ले आया था, मैंने आपको बताया था, आप लोगों को ले आया था। तो अभी जो अलॉय सिलेक्ट किया वो आपको सीधे दिखाएंगे अभी लगा के, और ऊपर भी आपको दिखाएंगे कितने सारे अलॉय पूरा अनरैप होता हुआ। ये गाइस हम लोग टी पी एम एस लगा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये पुराने वाला सेंसर है, ये नए वाले नोजल के साथ देख सकते हैं। तो वो ह्यूंडई की गाड़ियों में निकलता ही है ऑलमोस्ट, तो अभी लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हम लोग ने देख सकते हैं अलॉय लगा दिए, तो अभी प्रॉपर व्यू तो मैं अभी आपको कह ही दूँ, तो यही हम लोगों को पसंद आए और रेड इंसर्ट भी है। तो चलते हैं सीधा शॉप के पास, ये रहा आपका शॉप, तो आपको सीधा भैया मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके कितनी वैरायटी रहती है भैया? वैरायटी भैया बहुत अपने पास, आप देख सकते हैं 16 इंच से, कितने इंच से स्टार्ट है? 12 इंच से लेकर 24 तक का स्टॉक। और अप्रोक्स प्राइसिंग क्या रहती है अगर आप 16 इंच के जो मैंने लगाए अप्रोक्स बता दिया? 30,000 अप्रोक्स रहते हैं, मतलब इतने में आपको ज़्यादातर अलॉयज मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार आप डिज़ाइन दिखा दीजिए। डिज़ाइन में 16 इंच के यहाँ भी लगे हैं और वहाँ भी, ये भी देख सकते हैं गाइस 16 इंच में। और ये सब तो अभी अंकल दिखाएंगे आप लोगों को डिज़ाइन गाइस, ये हैं, बाकी ये 16 इंच के और हैं, ये पूरे देख सकते हैं। और ये 17 इंच है, ये 17 है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ये 16 इंच है 4 होल, ये वाला पसंद आया था निक्की को है, ये वाला कलर पसंद आया था तेरे को भाई? कलर पसंद आया था बट वो जो बाहर लगे हुए हैं मेरी चॉइस। हाँ वो तो खैर झूठ बोल रहे हैं गाइस ये लोग, मैं आपको बताऊँ ये 15 इंच है मेरे हिसाब से। बहुत डिज़ाइन है, बहुत डिज़ाइन मिलेंगे आपको, ये सब बड़े बड़े हैं, 20 इंच हैं, 14 इंच हैं, ये 18 में होगा मेरे ख्याल से, 18-20 24 लग रहा है तो मेरे को। बाकी ये हैं आपके प्लाटी भी सेम डिज़ाइन बना रहा, पहले बाहर डिज़ाइन बना रहा रोल्स और उसके भी ब्रांड मिल जाएंगे। मेंस
मेंसरी एडिशन, ये मर्सिडीज का, ये 17 इंच है मेरे हिसाब से, ये भी 16 है, ये 16 नहीं 17 है, 17 है भाई। भैया कहाँ गए? हाँ आप एक बार दुकान की लोकेशन बता दिया। हाँ जी बड़ा सर, तो आप यहाँ पे आइए, आप मिलेंगे या भैया मिलेंगे आपके? मैं तो बैठे हाँ, अच्छा मेन भैया ही, मेन आपको भैया ही मिलेंगे, तो सही आप लोग आ सकते हो गाइस, मैंने भी डलवा लिया है तो। वैसे हाली लिए भी देते हैं। अच्छा आप यहाँ से शिप भी कर देते हैं? हाँ। अगर आप यहाँ से ऑर्डर आप पसंद आ गया आपके पास पहुंच जाएंगे, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी हाँ सारी जगह पहुंच सकते हैं। और भी काफी जगह के नाम क्या याद करें, बाकी ऊपर भी बन रहा है अभी, अभी अभी बन रहा है, तो अभी हाँ और डिजाइन बाकी भैया हैं, आपको मिलेंगे यहीं पर ही। तो गाइस फाइनली हम लोग मतलब दिल्ली से आ चुके हैं, और दिल्ली में मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, मैंने जिस समय टायर लगाया और जहाँ शॉप पे रहा वहीं मैंने वीडियो बनाई, और उसके बाद मैं सीधा घर आ गया, क्योंकि फिर मतलब हम लोग पहले मॉल गए उसके बाद सीधा घर आ गए, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं मिला हम लोगों को वीडियो बनाने का, और फिर रात भी हो गई थी हम लोग जब आए थे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये लगाया गया, मैंने आपको टायर भी पहले नहीं दिखाया था, टायर इसमें लगा हुआ है गाइस 190/55 R16। हम लोगों ने स्टॉक के साथ ही खेल लिया, अनिकेत का ही था कि कह रहा था कि इसी स्टॉक में लगा रहे थे, केबी का था कि 205 लगाते हैं हम लोग। मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था ना भाई, हाँ अपनी गाड़ी में मैंने 20 mm टायर सेक्शन अपग्रेड करा, 185 सिर्फ 205 हाँ मतलब गाड़ी का काफी लॉस हुआ। अब तूने सिर्फ 10 इंच करा है, तेरे को फर्क पता लग रहा है ना? नहीं 10 इंच मैंने कहा किया, मैं तो 195 हां तेरा तो सॉरी 195 तेरा 0.5 जे बड़ा है, 0.5 भी नहीं बड़ा, पूरा 1 जे बड़ा है, 6 जे था, देख ले तेरे को जेज में कितना फर्क जेज, हां क्योंकि आप देखो गाइस जो गाड़ी से बाहर निकल के आया ना, बहुत ही सुंदर स्थान सा है। लेकिन पता है क्या, ये अलॉय 16 तो 16 ही रहेंगे, लेकिन नहीं जो मेरे को थोड़ा सा फील हुआ पता है, कल जब गाड़ी धुल रही थी ना तब मेरे को ये चीज नोटिस हुई, फील करना। बाकी स्टॉक तो मेरे को इतनी जल्दी क्यों चेंज कराना, वो मैं आपको कहानी बताता हूँ। मेरी गाड़ी खाली 16 चली है ओडो पे, जो इसका इधर वाला टायर था ना, हाँ इधर वाला था, हाँ हम लोग जो फोटो खिंचवा रहे थे इधर वाला था, तो गाइस और टायर ही फट गया था, तो वो पहले से था उसमें दो क्या कहते हैं बबल पहले ही आ गए थे, तो नेक्सन का टायर था मेरे ख्याल से, चाइनीज ब्रांड है, पता नहीं क्या करा, क्योंकि ह्यूंडई ने दो ऑफर किए थे, एक C8 आया था और एक आया था आपका नेक्सन C8, वो जो नेक्सन जो आया था वो शुरू के कुछ मॉडल्स में आया था, जो ये मेरी जो गाड़ी है जो मतलब पहला लॉट, हाँ पहला लॉट है, तो उसी में आई थी, तो उसमें उसके चक्कर में था नेक्सन के टायर, वरना बाकी सब में C8 ही आते हैं, तो दो बबल थे। अब मैं सोच रहा था चेंज कराऊंगा बट वो सब बकचोदी छोड़ रहा है, सेक्सी लग रहा है ना, बहुत सुंदर, सही बताऊं मुझे अपनी चॉइस में बहुत लगा। हाँ भाई कसम से ये से मेरे को, मैं सही बता मेरे को गाइस, मैं आपको सच बताऊँ, मेरे को एक सिल्वर वाला नियो का पसंद आया था, वो 6.5 जे था, ये है 7 जे, हर चीज देख, ये जो इसके अंदर की रेड लाइनिंग है, इसके इंसर्ट्स के साथ मैच कर रहा है, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन निकल गया, वही 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 पीछे भी कराऊंगा मैं रेड, इतना सोबर लग रहा है, मजा ही आ गया भाई, ये कोई वो तो है, अब लोगों ने कोई थार और वो वाला स्कॉर्पियो वाला ट्रेंड तो फॉलो किया, अपने लोगों ने स्लिक चीज लगानी थी भाई बस, जो और पता है अपना लोग घूम घूम के देखते हैं, मैं देखा ऐसा है ना,
ये पहली पॉकेट रॉकेट थी, ऊपर से आप इसका स्टैंड हैंग करो साइड से दिखाएं। हां वही मैंने दिखाया, देखो गाइस क्या निकले हैं। तो यही चीज़ है गाइस। और हम लोगों ने, मैंने आपको बताया केशव टायर से हम लोगों ने अलॉय लिए थे, अपोलो हम लोग यहीं से लेके चले थे क्योंकि हम लोगों को सस्ता पड़ा था। उसकी गाड़ी में भी अपोलो लगा, मेरी गाड़ी में भी अपोलो का, मेरा उसका हमारी वो जान पहचान है, तो उस चक्कर में बढ़िया। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस। बाकी ये मैं आपको बताऊँ मेरे को कितने के पड़े, तो 30 के शायद अलॉयज थे, 35 के अलॉयज थे, और हमें 30,000 के हमें रबड़ पड़ा है। तो आप मान लो अगर आप लोगों को देखो स्टॉक प्रोफाइल मतलब स्टॉक टायर पे चेंज कराना है तो आप लोग के खाली 35,000 ही जाएंगे। हम लोग सबको यही सजेशन देंगे कि यार ना मतलब स्टॉक के साथ रह के खेल लो, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा बढ़िया। 17 इंच में अपग्रेड करा लो ठीक है, गाड़ी का स्टांस बहुत अच्छा आ जाएगा, सब चीज अच्छी आ जाएगी। बट दिक्कत क्या है ना यार, गाड़ी की जो एक अंदर की आत्मा होती है ना, वो जो फन मिलता है वो चला जाता है, ऊपर से राइड क्वालिटी बहुत हैम्पर हो जाएगी। हम लोग दिल्ली से आए, तेरे को कैसा लगा? मतलब बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ क्योंकि हमने स्टॉक में रह के गेम खेला। हाँ। अगर हम स्टॉक से बाहर जाते तो पता चल जाता। वही वही वही। तो बाकी चलिए गाइस, मैंने आपको बताई दिया, तो 30 और 35 का आया, कुल मिला के 65 के हमें पड़े। और कितने के गए हमारे, 20 के गए, 25 के गए, 20 के गए हमारे। तो गाइस 20 का हम लोग पता है गाइस, मेरे को नहीं पता था, मेरे एक अलग बेंट था, मेरा एक अलग मतलब इस साइड से नहीं, इसकी पीछे वाली साइड से बेंट था, तो उस चक्कर में थोड़ा कंडीशन है ना भाई, इंडियन रोड की कंडीशन नहीं है, ऊपर से एनलाइन का सस्पेंशन स्टिफ है। हां तो सब अलॉय झेलता है जो झेलता है। बाकी चलो इस बार मैंने गाइस न्यू व्हील्स लगाए, न्यू व्हील्स की आपको एक साल की वारंटी मिलती है, और अगर पेंट उतरता है या फिर कोई लीकेज होती है तो सीधा आपको चेंज होकर मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। बाकी चलिए आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा स्टांस, आप लोगों को कैसे लगे सिनेमैटिक्स। चलिए इस वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।